रतलाम जिले के आलोट में महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आलोट के वार्ड क्रमांक 3 में संचालित आंगनबाड़ी में बच्चों को परोसे गए मध्याह्न भोजन की खीर में कीड़े निकलने का मामला सामने आया। आमतौर पर बच्चों को खाना देने से पहले उसे जांचने का नियम है, लेकिन बगैर जांचे परखे कीड़े युक्त खीर बच्चों को वितरित कर दी गई। कुछ बच्चों ने खीर खा ली, लेकिन कुछ बच्चों ने खीर के कटोरे में कीड़े तैरते देख परिजनों को इसकी शिकायत की, जिस पर बच्चों के परिजन आंगनबाड़ी पहुंचे, जहां आंगनबाड़ी सहायिका मिली, जिसे खीर में कीड़े निकलने की सूचना दी गई, जिसके बाद खीर से भरे कटोरे को लेकर बच्चों के परिजन एसडीएम ऑफिस जा पहुंचे और उन्हें खीर में तैरते कीड़े दिखाए। इस मामले में हमारी टीम ने एसडीएम लक्ष्मी गामर से बात की तो एसडीएम ने कहा कि वे संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु निर्देशित कर रही हैं। खासकर आलोट नगर में उसमें काफी विसंगतियां देखी गई है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? यथास्थिति को देखकर बताऊंगी ना, सेक्टर सुपरवाइजर के द्वारा तो कोई सूचना मुझे मिली कि कार्यकर्ता का फोन आया था, तो मैं जाकर उनके में कुछ क्या है स्थिति, और किसी भी अन्य किसी कार्यकर्ता को इस विषय में कोई फोन नहीं आया, मुझे ना ही बताया गया कि इसकी कोई शिकायत। रतलाम से अशोक परमार की रिपोर्ट, बाल बरखा जोशी महिला बाल विकास अधिकारी।